म्यांमार के तामू कस्बे में कल दो तमिल युवकों की हत्या के बाद मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरी में तनाव व्याप्त है। आज विरोध में मोरे थाना के सामने बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोग और दोनों युवकों के शव की मांग में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दोनों युवक दोस्तों से मिलने तामू गए थे, तभी उनकी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय पी मोहन और 32 वर्षीय एम अय्यर के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मोहन ऑटो रिक्शा चालक था और गमगोंग वैंग मोरे वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था। करीब 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी। वहीं अय्यर मोरे वार्ड नंबर 4 में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। आज होटल दुकानें बंद कर दी गई है और निजी कारों सहित किसी भी वाहन को मोरे से इम्फाल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार म्यांमार सेना से संबद्ध एक मलेशिया पीयू शो हेटी ने कल दोपहर करीब 1 बजे दोनों युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, जो आपको बता रहे हैं, म्यांमार के तामू कस्बे में कल दो तमिल युवकों की हत्या के बाद मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरे में तनाव व्याप्त है। आज विरोध में मोरे थाना के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। स्थानीय लोग दोनों युवकों के शव की मांग में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दोनों युवक दोस्तों से मिलने तामू गए थे, तभी उनकी नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय पी मोहन और 32 वर्षीय एम अय्यर के रूप में की गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मोहन ऑटो रिक्शा चालक था और गमनोंग वैंग मोरे वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था। करीब 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ अय्यर मोरे वार्ड नंबर 4 में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। आज होटल दुकानें बंद कर दी गई है और निजी कारों सहित किसी भी वाहन को मोरे से इम्फाल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार म्यांमार सेना से संबद्ध एक मलेशिया पीयू शो हेटी ने कल दोपहर करीब 1 बजे दोनों युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आइए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ। तो अरिंदम, तामू में दो तमिल युवकों की हत्या और उसके बाद अब मोरे में तनाव का माहौल, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मणिपुर म्यांमार के सीमावर्ती शहर मोरे अभी तनावपूर्ण है क्योंकि बड़े संख्या में लोग मोरे पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुआ है और हम लोग को जो खबर मिल रही है कि प्रदर्शनकारी थाने के गेट को तोड़ के अंदर घुस चुके हैं और वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि कल जो दो तमिल भाषी लोग म्यांमार के तामू में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनके शव को उनके परिवारजन को समझा दिया गया, लेकिन अभी तक म्यांमार अथॉरिटी के तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि कल रात को ही ये बात बताया गया था कि आज करीबन 8 बजे ये दोनों जो तमिल भाषी युवा है के शव को उनके परिवारजन को हैंडओवर कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। और ये इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वहाँ पे बहुत गोलीबारी हो रही है, वहाँ के जो म्यांमार के आर्मी है और पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में संघर्ष चल रहे, इसीलिए भारी गोलीबारी हो रही है, इसलिए वो बॉडी को हैंड ओवर नहीं कर पा रहे। लेकिन हॉटलाइन में और डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से म्यांमार अथॉरिटीज के साथ है, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है और इसीलिए आज अभी भी
जो मोरे पुलिस स्टेशन है उसको हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ने घेराव करके रखा है और नारेबाजी चल रही है वहाँ पे। वो लोग थाने के गेट को तोड़ के अंदर जा चुके हैं और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो युवा है तमिल भाषी जो तामू में गोली मार के हत्या कर दी गई थी उनके सबको परिवारजनों को हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल वहाँ पे माहौल तनावपूर्ण है। जी अरिंदम, वाकई काफी तनावपूर्ण माहौल है मोरे में इस वक्त। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि उनके शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। यहां जानना चाहेंगे कि इन दोनों युवकों की हत्या के पीछे जो भी जिम्मेदार है क्या उनके खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है प्रशासन की तरफ से, इस बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, ये घटना घटी है आपके म्यांमार के अंदर तामू में, मोरे से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ ये दो युवा तमिल भाषी युवा वहाँ पे गए थे अपने दोस्त से मिलने तामू में, जब ये वहाँ के एक मिलिशिया ग्रुप है म्यांमार हुंटा के, यूश हॉकी बोलते हैं उसको, उसने उस ग्रुप ने ये दो युवक को गोली मार के हत्या कर दी है और अभी भी उनके जो शव है तामू के हॉस्पिटल में है अभी भी। और कल हम लोग को बताया गया था कि यहाँ के जो तमिल एसोसिएशन है मोरे के, वो लोग के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक हॉस्पिटल में गए थे बॉडी को शिनाख्त करने के लिए और उन लोगों ने शिनाख्त भी किया है कि यही वो दो युवा है जो मोरे से तामू गए थे जिनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। लेकिन देखिए, ये मामला म्यांमार गवर्नमेंट का है क्योंकि ये जो घटना घटी है म्यांमार के अंदर घटी है, इसीलिए मणिपुर सरकार की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं या भारत सरकार की भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो रही है इस तरह से। अभी फिलहाल तो बॉडी को वापस लाया जाए इंडिया में और परिवार को लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ इसका एक इंक्वायरी भी होना पड़ेगा, लेकिन वो इंक्वायरी म्यांमार गवर्नमेंट को करना पड़ेगा।